डियर एसवाईजीएंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति होता है बीआरपी होता है उसकी जो अस्थायी नियुक्ति होती है उसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं उसके संबंध में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति बीआरपी होता है ये प्रत्येक जिले के अंदर लगाया जाता है। अभी इस वीडियो के अंदर हम एक जिला है जिसके बारे में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पर धौलपुर जिला जो है वो मेंशन किया हुआ है और धौलपुर जिले के अंदर ये अस्थायी नियुक्तियाँ रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइटेड की गई है और फॉर्म भरने की फिलहाल जो लास्ट डेट है वो 10 फरवरी 2024 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नरेगा और जो दूसरी योजनाएं होती हैं उनके अंतर्गत जो सामाजिक अंकेक्षण होता है उसके लिए जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति है उनको जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए संविदा के आधार पर 1 वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और ये जो न्यूज़ अभी आप देख रहे हैं ये दैनिक भास्कर पेज 18-26 जनवरी को प्रकाशित हुई है। योग्यताएं देखते हैं, पदों की संख्या देखते हैं, सेवा का नाम देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति संख्या जो है वो 32 पोस्ट रहने वाली है। मानदेय के बारे में बात करें तो यहाँ पर 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस दिया जाता है, पर डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक या ग्रेजुएशन, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी है इसमें अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री वाले। तकनीकी शैक्षणिक शिक्षा की बात करें तो आपका सूचना प्रौद्योगिकी या फिर कंप्यूटर कार्य दक्षता एवं आरकेसीएल द्वारा करवाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें कंप्यूटर का कोर्स होता है RSCIT वो, या कंप्यूटर के जो दूसरे डिप्लोमाज या कोर्सेज होते हैं उनके बेसिस पर आपकी तकनीकी क्षमता होनी चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पर अंतिम तिथि जो है आवेदन की अंतिम तिथि तक, ध्यान रखिएगा एज आवेदन की अंतिम तिथि तक या पर 21 साल मिनिमम और 44 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। इन दोनों के बीच के कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ मेंशन की गई है 10 फरवरी 2024 यहाँ दिखाया गया है। अब इसकी जो विस्तृत विज्ञप्ति है, जो विवरण है, उसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है dholpur.rajasthan.gov.in के ऊपर अवलोकन करना होगा। आप ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरेंगे और इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपने मोबाइल का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र की सहायता, CHC की सहायता ले सकते हैं। कुछ PDF के लिंक, कुछ वेबसाइट के लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्किल्ड यूथ गुरुकुल के फेसबुक पेज के ऊपर भी ऐसी अपडेट्स आ रही होती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये हर जिले में आती है, अभी वर्तमान में ये धौलपुर में आई हुई है। तो जो भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं वो चाहे किसी भी जिले से आते हैं वो इस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो धौलपुर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप इस धौलपुर के लिए जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति की आई है नियुक्ति अस्थायी, उसमें अप्लाई कर दे। आपके जिले में भी शीघ्र ये वैकेंसीज अस्थायी तौर पर आने वाली है। तो स्किल यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में यही कंटेंट था जो आपके साथ शेयर करना है। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा और आप नज़दीकी ई मित्र की सहायता से ये फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGN सब्सक्राइबर्स को शुभकामनाएं।